बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी बीएड लर्निंग कोर्स। हमारा सब्जेक्ट है स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। और आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन जो कवर करना है उसका टॉपिक है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सुपरविजन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सुपरविजन। तो इसको हमने पहले अंडरस्टैंड करना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है सुपरविजन का। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी न किसी एक मुनज्जम तरतीब से चल रहा होता है, और जैसा कि एक स्कूल सिस्टम होता है तो ये किसी बोर्ड के साथ अटैच होता है, और जितने कॉलेजेस होते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेट होते हैं। तो ये एक ब्रॉडर जो एक नेटवर्क होता है, इसमें एक सुपरवाइजरी पैनल होता है या डिपार्टमेंट होती है जिसका काम होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स या जो गोल्स सेट की गई होती हैं उस बोर्ड की तरफ से या मुल्की या सूबाई जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी तरफ से, तो उनको इम्प्लीमेंट भी करवाना होता है। तो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी एक टीम या एक डिपार्टमेंट बनी होती है जिसको सुपरवाइजरी रोल दिया गया था, और उनका काम होता है कि जो पॉलिसीज बनी है उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और जो डिज़ायर्ड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल किया जाए। तो ये सुपरवाइजरी जो रोल है इसको आपने इसी कंटेक्स्ट में ही कंसीडर करना है, तभी आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देर आर ए नंबर ऑफ एम्स एंड पर्पसेस विच सुपरवाइजरी सर्विस हैज़ टू फुलफिल, दिस कैन बी समड अप एज फॉलोज। तो इनको हमने 7 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहला जो जो ऑब्जेक्टिव है सुपरविजन का वो है टू प्रोवाइड प्रोफेशनल लीडरशिप, टू प्रोवाइड प्रोफेशनल लीडरशिप। इसमें क्या है कि जो सुपरवाइजरी पैनल है डिपार्टमेंट है उसका ये फ़र्ज़ है, उसका ये मैंडेट है कि वो प्रोफेशनल लीडरशिप मुहैया करें, यानी कि वो लीड करेंगे ओवरऑल सारी पॉलिसीज़ को और तरीक़ाकार को जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए वो जितने भी जो वर्कर्स हैं एजुकेशनल वर्कर्स हैं उनमें मुख्तलिफ़ जो कैडर में लोग आते हैं उन सब को इस तरीके से लेके चलना कि उनकी एफर्ट्स कोऑर्डिनेट हों, इंटीग्रेट हों, और अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल किया जाए। तो चूंकि ये एक एक्सपर्ट्स होते हैं प्रोफेशनल अपने फील्ड के, तो ये एक लीडिंग रोल अदा करते हैं और जो भी इदारे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जहाँ से उनको लीडरशिप की जो है वो गाइडेंस मिलती रहती है। तो इट प्रोवाइड्स प्रोफेशनल लीडरशिप टू एजुकेशनल वर्कर्स सो एज टू इम्प्रूव देयर वर्क एंड गिव देम करेक्ट डायरेक्शन। एक्सपर्ट्स हैव रिप्लेस द वर्ड इंस्पेक्टर बाय एजुकेशन ऑफिसर और एजुकेशनल एडवाइज़र। द न्यू टर्म विल बी इन कन्फर्मिटी विद द रियल एम्स ऑफ द सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। यानी कि पहले इसको सिर्फ टाइटल एक इंस्पेक्टर का दिया जाता था इस डिपार्टमेंट को, यानी कि जो इंस्पेक्शन करते हैं, अब इसका जो नाम बदल के एजुकेशनल एडवाइज़र, तो यानी कि एजुकेशन के जितने भी मामलात हैं उसमें एडवाइज़ करना इनका ही काम है। तो ये एक जो है डेवलपमेंट, ये एक इन लाइन है जो इससे रिक्वायर्ड है, जो जिससे परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो सकती है। तो दूसरे नंबर पे जो ऑब्जेक्टिव है सुपरविजन का वो है टू ऑफर टेक्निकल सर्विसेज, टू ऑफर टेक्निकल सर्विस।
तो टेक्निकल सर्विस से मुराद यही है कि जो इस फील्ड में आता है एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते अपनी फील्ड में, लेकिन उनको टेक्निकली कई सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत होती है, बताने की ज़रूरत होती है। तो उनकी ऐसी ट्रेनिंग मुहैया की जाए उनको, ताकि वो अपनी फील्ड में जब आते हैं तो जो उनसे रिक्वायर्ड जो आउटपुट होता है, जो उनकी परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट की जाती है, वो अच्छे तरीके से इजीली परफॉर्म कर सकें। तो इस मामले में जहाँ पे उनको फैकल्टीज़ को टेक्निकल सर्विस की रिक्वायरमेंट है, उनको थ्रू ट्रेनिंग या थ्रू एडवाइस या थ्रू लेटर्स एंड ब्रोशर्स उनको वो मुहैया की जानी चाहिए। इट ऑफर्स टेक्निकल सर्विस टू टीचर्स इन द टर्म्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, एजुकेशनल एड्स, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एंड रिमीडियल मेजर। तो उनको ये सारी तरतीब बताई जाए कि आपने पढ़ाना कैसे है, बच्चों में डायग्नोज कैसे करना है वीक एरियाज़ को, और उसको रेमेडीज़ कैसे करनी है। इसके अलावा जो सुपरवाइजरी पैनल है उसका भी ये फर्ज है कि वो जो टीचर्स हैं उनको भी, जिस तरीके से टीचर स्कूल लेवल पे एक तालिब इलम को डायग्नोज करता है, तो सुपरवाइजरी जो पैनल है वो मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें जो टीचर्स हैं उनको भी वो जांच पड़ताल कर सकें कि वो किस कैलिबर के हैं, उनमें क्या वीकनेस है, उस वीकनेस को कैसे रेमेडी किया जा सकता है ताकि वो अपने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तीसरे नंबर पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स, टू प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स, कि जो असातिज़ा हैं उनको प्रोफेशनली ग्रो कैसे करवाया जा सकता है। इस लिहाज से कि एक टीचर आता है वो प्राइमरी लेवल पे हो अपनी एजुकेशन इम्प्रूव करता है, तो वो सेकेंडरी लेवल पे कैसे जा सकता है, प्रमोट उसको कैसे किया जा सकता है, उसकी स्किल्स कैसे इनहेंस की जा सकती है, ड्यूरिंग उसकी सर्विस जो है ट्रेनिंग वगैरह कैसे की जा सकती है। अगर वन सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट है तो उसकी कैडर में वो कैसे ऊपर जा सकता है, ताकि अल्टीमेटली वो ड्यूरिंग अपनी जो सर्विस है उसमें अपनी सर्विस के साथ साथ वो प्रमोशन भी हासिल करे और उसके अंदर वो कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाए, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता हायर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हैंडल करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ती जाए। तो ये है टू प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स। इट प्रमोट्स द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ ऑल टीचर्स बाई प्रोवाइडिंग देम गाइडेंस इन द फील्ड एंड इन सर्विस ट्रेनिंग नाउ एंड देन, यानी कि वक्तन फवक्तन उनको ट्रेनिंग दी जाए जिससे उनकी सलाहियत बढ़ सके। तो चौथे नंबर पे आता है टू क्लैरिफाई गोल्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस, तो इस पे आप अगर थोड़ा सा वैसे ही गौर करें हेडिंग पे तो पता चलता है कि जो टीचर है उसको पहले अपनी गोल्स का पता होना चाहिए, वो अल्टीमेटली अचीव क्या करने के लिए कैसे एफर्ट्स को लेके चलेगा, ताकि वो अपनी गोल्स को पहचानते हुए अपनी एफर्ट्स को इंटीग्रेट करे और उसके इनलाइन करे, और इस मामले में उसको जितनी भी गाइडेंस की ज़रूरत है वो जो सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट है वो उसको मुहैया कर रही हो। एक टीचर की बात की जाए या फिर ओवरऑल सब टीचर्स की बात की जाए, तो ये जो होगा सुपरवाइज़र का ये फ़र्ज़ है कि वो क्लैरिफाई करे टीचर्स को उनकी गोल्स क्या हैं, अगर गोल में कोई चेंज आती है तो उनको अपडेट करे, अप्राइज करे, और उनको हासिल करने के लिए जितनी भी गाइडलाइन की ज़रूरत है वो भी मुहैया करे। तो इसमें इट क्लैरिफाइज एंड इंटरप्रेट्स एजुकेशनल गोल्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गिव देम ऑल टाइप्स ऑफ हेल्प एंड गाइडेंस टू अचीव दोज गोल्स, तो जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकें। पांचवें नंबर पे जो ऑब्जेक्टिव है जो सुपरविजन से एक्सपेक्ट किया जाता है वो है टू चेक इन एफिशिएंसी टू चेक इन एफिशिएंसी एंड नेग्लिजेंस,
कि जो अजाज़ा हैं उनके इनएफिशिएंसी अगर कहीं पे मौजूद है तो उसको रिमूव किया जाए, और जहाँ पे नेगलिजेंस यानी कि जानबूझ के कोई नेगलिजेंट है, अब पता है कि हमने करना क्या लेकिन वो कर नहीं रहा, तो इस तरह के मामलाते हैं थ्रू पनिशमेंट या जो थ्रू उनकी काउंसलिंग, उनको एडवाइज़ करने के बाद और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने या उनके प्रमोशन के हिसाब से उनको, यानी कि अगर कोई अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जानबूझ के नेगलिजेंट है तो उसकी प्रमोशन नहीं होगी, उसके जो जूनियर्स होंगे उसके जो कुलीग्स होंगे वो प्रमोट हो जाएंगे तो उसको ये फील होगा। तो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिससे जो इनएफिशिएंसी है वो ख़त्म हो, नेगलिजेंट लोग ना आए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और अगर जो बारहा कोशिश करने के बावजूद उनकी नेगलिजेंस बरकरार रहती है तो उनको रिमूव कर दिया जाए, ताकि जो है ये सुपरविजन का ये ऑब्जेक्टिव भी है कि अल्टीमेटली ऐसी फैकल्टीज़ को रखना जो कि अपने फ़राइज़ से आशना भी हो और दूसरे नंबर पे उनको पूरा भी कर रहा हो। छठे नंबर पे है टू ऑफर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। कि जितने भी असाज़ा हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उन फैकल्टीज़ को इस तरीके से जो है वो सलाह मशवरे दिए जाएं, उनको सजेशन दी जाएं जिससे वो अपनी डेवलपमेंट का फेज़ जो है वो इजीली और जो उनसे रिक्वायर्ड होता है वो उसको फुलफ़िल भी करें और उसको हासिल भी कर सकें। तो उनको वक्तन फवक्तन ऐसे लेटर्स सर्कुलर वगैरह भेजने चाहिए जो कोई पॉलिसी में चेंज हो या अदरवाइज़ उनको टाइम टू टाइम करिकुलम के मुताबिक जो है वो अपडेट किया जाए, और कोई उसमें क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो बताई जाए, और हर जगह पे गाइडलाइन और सजेशन इस तरीके से दी जाए कि जो इंस्टीट्यूशन अपनी ग्रोथ की कोशिश कर रहा है उसको और भी मदद मिले और वो अपने जो मकासद हैं और भी आसानी से अचीव कर सके। तो ये है टू ऑफर कंस्ट्रक्टिव सजेशन। इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली स्पीकिंग इट एम्स एट ऑफरिंग न्यू फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंस्ट्रक्टिव सजेशंस टू एजुकेशनल वर्कर्स। इट आल्सो गो टू देयर हेल्प इन सॉल्विंग देयर डिफिकल्टीज। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट टीचर्स बाई हिज वाइज काउंसलिंग। तो वाइज काउंसलिंग का मतलब है कि जो उसकी अकल व दानिश के मुताबिक है उनको सलाह मशवरे दे। सातवें नंबर पे है टू अप्रेज द वर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। टू अप्रेज द वर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, कि मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं लेकिन सुपरवाइजरी जो डिपार्टमेंट है उसका काम है कि उनकी परफॉर्मेंस को मैयर करे और वक्तन फवक्तन उनको जो इस तरीके से इवेल्यूएट करे, और जो इदारे और जो स्कूल्स कॉलेजेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, और उनकी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव ईजिली अचीव हो रही हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और उनकी आउटपुट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, तो एक दूसरा इदारा है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को ग्रेडिंग, उनको नंबरिंग, उनको स्केलिंग कुछ इस तरीके से दी जाए और दूसरों के लिए वो मिसाल बन सके। आप भी देखते हैं कि अपने शहरों में कुछ कॉलेजेस उसी लेवल के उसी क्लास के होते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और होती है, दूसरों की और होती है। तो वर्क ये जो है डिफरेंस है, ये सुपरविजन पैनल जो है उसको इस तरीके से पॉलिसीज़ और मैकेनिज़म बनाना चाहिए जिससे वो उनको बता सके कि कौन सा इदारा किस रैंक पे है, ताकि उनकी एफ़र्ट्स को एक तो रिकॉग्नाइज़ किया जाए, दूसरे नंबर पे उनको अप्रिशिएट किया जाए और उनको जो इंसेंटिव है, उनको जो मज़ीद ज़रूरियात है उनकी वो पूरी की जाए, त
तरजीहात की बुनियाद पर, यानी कि जितना कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी जितनी डिमांड हो उसको ईज़िली कंसिडर किया जाए, ताकि दूसरे जो इंस्टीट्यूशन हैं ऐसे मिसाली इदारों को फॉलो करके अपने रिजल्ट को बेहतर कर सके। तो ये था आज का हमारा जो लेक्चर, और इसमें अगर आपका कोई पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।